नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। केरल में आरएसएस स्वयंसेवक की चाकू मारकर हत्या। केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा स्वयंसेवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार राज शरद चंद्रन अपने दोस्तों के साथ पुतेन किरियल मंदिर गया था। वहाँ कुछ लोगों से विवाद होने के बाद वह देर रात घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल चंद्रन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि चंद्रन की हत्या में शामिल लोग माकपा के सदस्य हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने साधु संतों के साथ की बैठक। काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की मांग। वृंदावन के रमण रेती क्षेत्र स्थित चित्रकूट आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद न्यास के पदाधिकारी और साधु संतों ने काशी कॉरिडोर की तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। बैठक में मौजूद सभी लोगों की सहमति मिलने के बाद निर्णय लिया गया कि कॉरिडोर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा जाएगा। यह बैठक संत पीपा द्वाराचार्य बलराम दास बाबा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। काशी में अब कोई मंदिर नहीं रहेगा उपेक्षित, बंद पड़े देवालों में नियमित होगा पूजा पाठ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अब कोई मंदिर उपेक्षित नहीं रहेगा। अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद उपेक्षित रहे मंदिरों में पुजारी रखकर रोजाना पूजा पाठ कराएगी। इसकी शुरुआत विश्वनाथ गली स्थित स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लिखित आदि विनायक गणेश और त्रिभुवनेश्वर महादेव की पूजा करके की गई। यह पहल हमारी काशी हमारे देवालय महाअभियान के तहत की गई है। इस अभियान के तहत धर्म की नगरी काशी के उपेक्षित पड़े देवालयों में पूजन और पुजारी दोनों का योगाक्षेम अखिल भारतीय संत समिति वहन करेगी। ऐसे देवालयों और शिवालयों में पूजा आरती एवं श्रृंगार भोग के लिए प्रति माह 2,500 रूपए व सेवारत पुजारी को 5,000 रूपए मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। पहले चरण में काशी के 108 मंदिरों से इसकी शुरुआत की जा रही है। यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के बच्चों का पीएमओ ने लिया संज्ञान, जारी किए हेल्पलाइन नंबर। यूक्रेन रूस विवाद के बीच अलीगढ़ के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के बच्चों का पीएमओ ने संज्ञान लिया है। अधिकारी ने अभिभावकों से फोन पर वार्ता की। अभिभावकों ने यूक्रेन में मेडिकल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ऑनलाइन कराए जाने व फ्लाइट का किराया कम करने की मांग रखी। अलीगढ़ के करीब 50 विद्यार्थी यूक्रेन में अलग अलग यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हैं। वहीं सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को संयम बरतने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से अपील की है कि वो घबराए नहीं। जो भारत वापस जाना चाहते हैं उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में टिकट लेने की सलाह भी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली और कीव में कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया गया है, जिस पर 24/7 संपर्क कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय की आयुर्वेद की डिग्री को दी पहचान। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक चिकित्सा की स्नातक एवं परास्नातक की डिग्री अब भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में शामिल हो गई है। अनुसूची में शामिल न होने से अब तक विश्वविद्यालय की डिग्री को दूसरे प्रदेशों में संदेह से देखा जाता था। छात्रों की डिग्रियों को विश्वविद्यालय के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता था। अनुसूची में शामिल होने के बाद अब रोहिलखंड विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित 4 आयुर्वेदिक चिकित्सा के कॉलेजों का नाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ स्टूडेंट्स को मिलेगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा यूपी का होता रहा अपमान और गांधी परिवार बजाता रहा तालियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी व यूपी के लोगों का अपमान होता रहा और गांधी परिवार तालियां बजाता रहा, वही लोग अब यूपी में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक यूपी में सरकारें चलाई, लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहाँ से बेदखल किया है, इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजू बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं,
यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया है। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, दोबारा सरकार आने पर बांटे जाएंगे 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन। टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट एक्सेस का खर्च भी वहन करेगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में बांटे गए 35,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन। महामारी से बचाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में जीवन और जीविका बचाने का कार्यक्रम चलाया गया। मुफ्त में जांच, मुफ्त में उपचार और मुफ्त में टीका लगाया गया। 100% लोगों ने पहली और 75% ने दूसरी डोज ली। बांदा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को तमंचा बनाते किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश, ऑर्डर पर बनाते थे हथियार, बड़ी संख्या में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।